आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन बी, कलेक्टिंग प्लांट्स आर ग्राउंडेड, कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड सो इट इज यूज टू अट्रैक्ट द चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल। सी, वेलोसिटी बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रोड्स वायर दैट आर मेंटेन्ड एट 100 वोल्ट प्रोड्यूसेस कोरोना। तो हमें इस चारों ऑप्शंस को रीड कर लिया और इसने हमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। देखो, ESP stands for electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator हम क्यों use करते हैं? क्योंकि जो आपका industrial pollution होता है, industrial pollution is very harmful for all organism. Okay, और इसमें क्या होता है कि इसमें आपका harmful gases होती हैं, ठीक है? इसमें आपका particulate matter होता है जो हमारी nose को irritate करता है और हमें मतलब कि breathing problems हमारे अंदर cause कर सकता है, और एनिमल्स को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से इट बिकम्स नेसेसरी टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, ये आपका 99% तक पर्टिकुलेट मैटर जो होता है एग्जॉस्ट में से रिमूव कर देता है, ठीक है? और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, इसके अंदर कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो कि आपकी ग्राउंडेड होती हैं, दैट इज़ दे आर कनेक्टेड टू अर्थ, ताकि उस पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, चार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं जो उसके ऊपर फॉल कर सकें। और इन्हीं प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी ऑफ एयर होती है वो हम हमेशा लो करते हैं, क्यों? ताकि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ईजिली उन प्लेट्स पे फॉल ऑफ कर सकें, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ एयर ज़्यादा होगी तो वो तो वहाँ पे फॉल करेंगे ही नहीं और फिर हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी लो। और जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर मेंटेन्ड एट 1000 वोल्ट्स, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली 1000, दीज आर इन रियल सेवरल 1000 वोल्ट्स, देयरफॉर इलेक्ट्रोड्स आर मेंटेन्ड एट सेवरल 1000 वोल्ट्स, ठीक है? सो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आर ऑप्शंस। ऑप्शन ए बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है एग्जॉस्ट में से। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी कि जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं वो आपकी ग्राउंडेड होती हैं ताकि वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है कि वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्लेट्स के बीच में अगर वेलोसिटी लो नहीं होगी तो आपके डस्ट पार्टिकल फॉल नहीं करेगा। ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट 100 वोल्ट्स प्रोड्यूसेस कोरोना, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दीज आर जनरली मेंटेन्ड एट सेवरल 1000 वोल्ट्स, और यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा है 100 वोल्ट्स, तो ये यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन फोर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।